हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की चिंता भी। अब तो मौतों का सिलसिला भी बढ़ता नजर आ रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से इसे रोकने की पूरी कोशिश जरूर की जा रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 900 के पार चली गई है, जबकि अब तक इस वायरस से 20 लोगों की जान गई है। केरल में कोरोना की वजह से अब तक एक भी जान नहीं गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वो कमलनाथ की बतौर सीएम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पत्रकार की बेटी लंदन से लौटी थी, जिन्हें क्वारंटीन रहने को कहा गया था। इसके बावजूद पत्रकार ने नियमों की अनदेखी की। बाद में पत्रकार और उनकी बेटी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से पूर्व सीएम कमलनाथ भी क्वारंटीन हो गए हैं। देश में कोरोना काफी तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना वायरस का कहर देश के 27 राज्यों तक पहुंच चुका है। देश के 27 राज्यों में कुल 900 से ज्यादा मरीज अब सामने आ चुके हैं। इनमें से भारत और विदेशी मरीज दोनों शामिल हैं। गुजरात में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि नोएडा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसके बाद सभी मरीजों के घर सील कर दिए गए। वहीं दिहाड़ी मजदूरों को राहत देते हुए नोएडा डीएम बीएन सिंह ने सभी मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने यहाँ रहने वाले किसी भी कामगार मजदूर से किराया नहीं वसूलेंगे। अगर किसी भी मकान मालिक के खिलाफ किराया मांगने या किसी अन्य तरह के दबाव बनाने की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत उन्हें 1 साल की सजा और जुर्माना देना हो सकता है। इतना ही नहीं, आदेश के उल्लंघन करने की स्थिति में अगर किसी तरह की जान माल की क्षति होती है तो उसे 2 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि यह आदेश सिर्फ 1 महीने के किराया नहीं मांगने के लिए जारी किया गया है। कोरोना के खिलाफ पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। सरकार भी कोरोना को भगाने के लिए पूरी तरह से जुटी है। खुद पीएम मोदी कोरोना को लेकर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के सभी मेडिकल संस्थानों से तैयार रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को आयुष प्रोफेशनल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात भी की। उन्होंने तथ्य आधारित रिसर्च के लिए आयुष वैज्ञानिकों, ICMR, CSIR और सभी शोध संस्थानों से साथ आने को कहा है। पीएम ने कहा कि देश के सभी हेल्थ वर्कर वर्कफोर्स को चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। अगर जरूरत पड़े तो प्राइवेट डॉक्टर्स से मदद ली जाएगी जो आयुष योजना से जुड़े हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एक साथ है। सभी अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो या फिर मेडिकल स्टाफ। पूरा देश लॉकडाउन है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हर कोई पूरी शिद्दत से काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लड़ाई में पूरे देश को साथ देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें परेशान कर रही हैं लोगों को। लगातार सड़कों पर मजदूर नजर आ रहे हैं जो बड़ी तादाद में समूह में अपने अपने घरों के लिए पैदल ही रवाना हो गए हैं। ये चिंता भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी। पूरा देश लॉकडाउन है, 14 अप्रैल तक कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते सभी कामकाज ठप हो गए हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है, जो दूसरे राज्यों में रहकर अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी छिन गई है। गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। न काम है, न खाने का इंतजाम, न जाने के लिए साधन है, न कोई सवारी। ऐसे में लोग पैदल ही अपने घरों को निकल गए हैं। जरा सुनिए उनका दर्द। मैं सरसों काट रहा था, महेंद्रगढ़ से आया हूँ, राजस्थान से। अच्छा जी। तो अब कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। कितने लोग थे आप वहाँ से? जो हम लोग हैं लमसम में 40-41 हैं। अच्छा अच्छा, ये सारा आपका ही अलग अलग? हाँ जी, हमारा है सब। फिर पैदल जा रहे हो? यहाँ पैदल जाएंगे, सवारी तो है नहीं। वो जो काम किया था वो तो पैसे खत्म हो गए हैं, अब खाने के लिए है नहीं कुछ। फिर कुछ सरकार ने आपको कहीं भी ठहरने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था कहीं की है? नहीं, नहीं। अभी तो कहीं नहीं हुई है। हम कल 12 बजे से चल रहे हैं लमसम में। न रोजगार, न रहने के लिए आसियाना। करें तो क्या करें, सब कुछ बंद है। भूखे प्यासे लोग पैदल ही अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से। क्या काम करने आए थे? सरसों की लावणी। सरसों की लावणी के लिए? हाँ। अब कहाँ जा रहे हो आप? घर, यूपी। यूपी? यूपी में कौन सा जिला आपका? बरेली। कोई राजस्थान तो कोई उत्तर प्रदेश के लिए पैदल ही निकल पड़ा है। न बस चल रही है, न ट्रेन। अब इनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है और वो है पांव गाड़ी। अब उसी के सहारे अपने मंजिल की ओर निकल चुके हैं। हालांकि बीच रास्ते में कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से इन्हें खाना दिया जा रहा है। 2 तक से। कहाँ जा रहे हैं? झांसी। आपको पता नहीं को लॉकडाउन है, क्यों जा रहे हैं? पैसे ही नहीं है खाने के लिए, कोई पैसे ही नहीं दे रहा। भूखा मार रहा है। तो फिर घर जाने लगे पैदल। 50 रुपया पड़े, निकल जाएंगे पैदल, धीरे धीरे खाते जाएंगे। कितने लोग हैं आप सब? कम से कम 200-300 लोग। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर इन्हीं गरीबों पर ही पड़ा है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, लेकिन सब बंद होने की वजह से लौटना इनकी मजबूरी हो गई है। गुहाना में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कितनी दूर से और कहाँ पहुँचना तुम्हें अभी? लगभग हम 40 किलोमीटर दूर से मतलब आए हैं और 350 किलोमीटर दूर जाना है। 350-400 किलोमीटर दूर। तो जहाँ काम करते थे वहाँ कोई इंतजाम नहीं तुम्हारे लिए? नहीं, इंतजाम तो था मगर कोई इंतजाम नहीं था। इंतजाम भी नहीं था, प्लस खाने पीने का नहीं था, प्लस हमें सही भी नहीं लग रहा था इस माहौल में। लॉकडाउन में भी तुम निकल रहे हो? और जब हम भूखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं निकलेंगे जरूर। ठेकेदार था, वो पैसे लेके भाग गया। अब जो कमरा मालिक है वो भी कह रहा है निकलो, तो कहाँ जाए? फिर तो पैदल सफर करना ही है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? यहाँ भैंसगांव से आ रहे हैं और बरेली जाना है। कितने लोग हो अभी? 15 लोग हैं। हम लोग 11 लड़के हैं। हम लोग गुजरात में काम करते थे, सब्जी का टमाटर भरते थे, तो वहाँ से 3 गाड़ियाँ भरी थी, उसमें मतलब थोड़े थोड़े लड़के गोहना सब्जी मंडी में आए थे। तो यहाँ से सेठ के लिए बोला था हमने, हमारे लिए गाड़ी कर दो कैसे भी, हमें घर पहुँचा दो। सेठ बोला कर रहे हैं व्यवस्था, व्यवस्था नहीं हो पाई तो सर पैदल जा रहे हैं। वहीं राई में भी लॉकडाउन के चलते हजारों मजदूर पैदल ही अपने गाँव और घरों की तरफ चल पड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि इस वक्त उनके पास ना तो रहने का साधन है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था। ऐसे में तो अपने गांव और घर जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। परिवार आपका? जी 4 बच्चे। क्या वजह है, कहाँ जा रहे हो? झांसी जा रहे हैं जी। क्यों? यहाँ पर राशन पानी नहीं मिल रहा है, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, मजदूरी भी नहीं लग रही, क्या करेंगे हम जी। कहाँ से हो? MP से। MP जाएंगे? हाँ जी। तो यहाँ से कहाँ से आ रहे थे? गन्नौर से। तो कौन, किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं जी, किसी ने नहीं दिया। तो लंबा इतना जाएंगे परेशानी आएगी? आएगी, जब होगा तो देखा जाएगा। कितने आदमी हो आप? कहाँ? हम हैं 8 आदमी। एक ही परिवार से? हाँ, एक ही परिवार के हैं। क्या वजह, क्यों जा रहे हो? ये ठेकेदार ने पैसे नहीं दे रहा, काम लग नहीं रहा है। बाबूजी क्या खाएंगे यहाँ पे बताओ बैठ के? गरीब आदमी है, कोई साथ नहीं दे रहा है। रास्ते में कोई वाहन भी पकड़ ले रहा है, अब यहाँ पे क्या खाएंगे? इतना दूर चले जाओगे क्या करें बाबू जी, बच्चे पालना है तो जाना ही जाना है, अब बच्चे तो पालने पालना, यहाँ पे क्या खाएंगे? 3 महीने की सुनना के काम नहीं लगेगा, 3 महीने बाद क्या खाएंगे? तो वापस आओगे फिर? अब काम लगेगा आएंगे, नहीं लगेगा तो अपने मांग मांग के खाएंगे गाँव में, यहाँ पे क्या करेंगे? पूरे देश में इस वक्त यही हाल है। मजदूर अपनी जरूरत के सामान सिर पर उठाकर बच्चों और महिलाओं समेत अपने घर की यात्रा पर निकल पड़े। दिल्ली में भी काफी संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने घर जा सके। लॉकडाउन के बाद दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले मजदूरों की बाढ़ सी आ गई। पेट तो पापी है, उसे भोजन चाहिए ही, और जब काम ही बंद है तो भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा? अब इनके पास आखिरी रास्ता यही बचा है कि किसी तरह अपने घर चले जाएं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन के लिए लॉकडाउन का पालन करवाना बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। एक मेहमान स्टूडियो में है, डॉक्टर राहुल भार्गव हेमाटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अजय गुप्ता सचिव हैं IMA के हरियाणा के, और सोमवीर आर्या साहब अधिवक्ता हैं, वकील हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोमवीर जी, आप ही से शुरू कर लेते हैं। ये चल क्या रहा है देश की सड़कों पर? एक तरफ हम तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन है जी, घरों से बाहर नहीं निकलना, दूसरी तरफ जत्थे का जत्था सड़क पर है, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो क्या सरकार के लिए जरूरी नहीं है कि सख्ती बरतें? प्यार से नहीं मान रहे, सख्ती बरतिए, क्योंकि इस वक्त हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखिए पांडे जी, सबसे तो जो जरूरी है, जो सबसे आसान है वो तो, और जो सबसे जरूरी है, सबसे सुरक्षात्मक है, वो तो लॉकडाउन है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सारी सरकारें कह रही है, सारे डॉक्टर्स चिकित्सक कह रहे हैं, सारा मेडिकल जगत कह रहा है कि सबसे एक्यूरेट जो है जगह, सबसे जो जरूरी है वो है लॉकडाउन। अब अगर सवाल ये है कि लॉकडाउन नहीं हो पा रहा, किस वजह से नहीं हो पा रहा? अगर आज के टॉपिक को हम देखते हैं तो आज का टॉपिक जो है ये कि ये लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, ये मोटे भाषा में पलायन कह लीजिए इसको। तो इनके साथ दो है दिक्कत है, एक आप इस लेबर जो आप बात कर रहे हो, इसमें मजदूर लेबर और एक स्किल्ड लेबर होता है, एक असंगठित लेबर होता है, असंगठित मजदूर है। ये जो असंगठित मजदूर है, जो सिर्फ सीजन पे आते हैं, गेहूं कटने आगे, चरी कटने आगे, या और कोई सीजनल जो होता है, एक मजदूर वो होते हैं। दूसरे मजदूर हैं जो परमानेंट फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन तो किया जा सकता है कि वो उनके मालिकों को बोल दिया है, जो फैक्ट्री को ओनर्स उनको बोल दिया है, आप सैलरी दोगे, पूरी तनख्वाह दोगे इनको। और उधर से मकान मालिक को बोला जा सकता है कि भाई आप इनसे किराया नहीं, जैसे नोएडा में आज एक तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है कि कोई मकान मालिक किराया नहीं मांगेगा, मांगेगा तो 2 साल तक सजा है, फाइन भी है। तो एक उनके लिए तो ये किया जा सकता है। लेकिन ये जो असंगठित मजदूर है जो टाइम बीइंग आए थे, ये क्या होता है कि एक बड़ा जमींदार है, उसका एक कॉन्ट्रैक्टर बीच में होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर, उस सब कॉन्ट्रैक्टर इनको लेके आता है और उसकी जिम्मेदारी होती है उसके, इनका रहने का, खाने का, सोने का, जो भी खाने पीने का जो प्रबंध है वो सारा उसकी जिम्मेवारी है। तो अब सरकार को ये चाहिए, सरकार को और ज्यादा स्टेप उठाने पड़ेंगे इसमें, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये पलायन करके ये निकल गए वहां, यहाँ से अपने गंतव्य स्थान से के लिए, और यहाँ से अगर ये निकलते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर लॉकडाउन का जो पर्पज है, जो एक ही चारा है हमारे देश में, क्योंकि इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। वो फेल होने से स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। तो इनको करने के लिए सरकार को देखा कुछ कर भी रहे हैं कि इनको रोकने के लिए एक तो शेल्टर हाउस बनाए जाए, बॉर्डर्स पे सख्ती की जाए, और पुलिस प्रशासन को भी और लेबर मिनिस्ट्री को भी, सरकार के जितने भी डिप्टी कमिश्नर, डीएम साहब हैं, एसडीएम हैं, जितने भी जो भी प्रशासन का जितना भी लोग हैं, उन सबको बहुत सख्ती से लेके, बहुत ध्यान करके इन लोगों को बाहर जाने को कह जाए। बल्कि ये यूपी में तो 1000 बसें लगाई, लेकिन वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका ये है कि वहां हेल्थ हेल्थ की सुविधाएं वैसी हैं कि नहीं है। जैसे गुड़गांव दिल्ली में मिल जाएंगी हेल्थ फैसिलिटीज, वैसी वहां नहीं मिलेंगी इंटीरियर्स में, चाहे वो बिहार का इंटीरियर हो, बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हमको पता है इन राज्यों में स्थिति क्या है। डॉक्टर अजय गुप्ता, एक बात बताइए सर, ये कितनी बड़ी क्राइसिस है और कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने, क्योंकि हम एज पे खड़े हैं कम्युनिटी स्प्रेड के, और ये हम देख रहे हैं कि हुजूम निकल पड़ा है सड़कों पर। खुदा ना खास्ता इनमें से अगर कुछ लोगों को भी हो तो इतनी बड़ी तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या सरकारों को ये समझना होगा कि अगर वो प्यार से नहीं मान रहे तो आपको सख्ती करनी ही पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम एक बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं और नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो नाजुक स्थिति ये है कि कुछ दिन तय करेंगे कि हम स्टेज 3 में घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं कोरोना की। और जबकि 2-3 दिन हो चुके हैं ये लॉकडाउन के, और स्थिति कुछ हद तक पूरे देश में ठीक ठाक ही चल रही थी, उस बीच ये जो माइग्रेशन दिखा है हमको लोगों का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जब आप इन लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे तो कह रहे थे किसी ने मकान मालिक ने हमको निकाल दिया है, किसी ने हमको फैक्ट्री से निकाल दिया है, किसी ने बोला 3 महीने तक काम नहीं है, और एक लेडी बोल रही थी अब खाएंगे क्या। और तो सरकार आज पूरा दिन से ये देख रही है, आज सुबह से ये माइग्रेशन चालू हुआ है, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो दिल्ली है, चेन्नई से भी खबरें आई हैं, हर जगह से, मतलब पूरे देश में थोड़ा बहुत ये जो हलचल सी मच गई है। और डेफिनेटली जैसे हमने जनता कर्फ्यू एकदम सडन लॉकडाउन किया था, इन माइग्रेशन पे हमको कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। उनको किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो बॉर्डर है, कहीं भी उनको रोककर उनके लिए शेल्टर हाउस बनाने पड़ेंगे, उनको या तो सख्ती से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई ना कोई खांसी जुकाम का मरीज निकला, जिसको जो पीड़ित निकला, और ये जो लोग हैं, मैंने रास्ते में देखा था ट्रैक्टर में भर के जा रहे थे आज गुड़गांव की सड़क पे, और आप मानोगे नहीं ये 20-20, 30-30 के ग्रुप में भी चल रहे हैं। तो ये जितना भी हमारा लॉकडाउन का असर है, इस पे बहुत बड़ा ये प्रहार हो सकता है, और जितनी मेहनत की है अभी हमारी सरकार ने, ये सारी व्यर्थ जा सकती है इसके अंदर। तो सरकार अगर पूरे दिन से आज ये देख रही है माइग्रेशन, तो यहाँ तो उनको इंतजाम करना पड़ेगा, यहाँ इनको बहुत ही सख्ती से इसके ऊपर पेश आना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राहुल, ये परिस्थिति कितनी भयावह है? देखिए, इसको 2 एंगल से देखना जरूरी है, एक मानवता के अधिकार से और दूसरा साइंटिफिक अधिकार से। अगर हम साइंस की सिर्फ बात करते हैं और मानवता को भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए या पीछे रखते हैं, तो ये भयंकर स्थिति है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब पलायन होगा तो ना हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटर करने का कोई तरीका है, ना हैंड वॉश देखने का कोई तरीका है, और हमारे रूरल एरिया में ना हमारे पास वेंटिलेटर है, ना इनको ये समझ है कि खांसी जुकाम बुखार हुआ तो करना क्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बच्चों से इतने सारे 300, 350, 400 बच्चों की मृत्यु हो गई थी जैपनीज इंसेफेलाइटिस से, वैसे ही भयानक स्थिति गाँव में बन जाएगी। सबसे पहली चीज ये समझना आवश्यक। दूसरा पहलू है मानवता का। अगर मानवीय अधिकार पे देखें तो इनको इस समय सख्ती से ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। इस समय प्रशासन को मुस्तैद होने की जरूरत है कि इनको ग्रुप्स में समझाएं, लाउड स्पीकर पे बताएं कि क्यों आपका जाना खतरनाक है। साथ में इनके खाने की, रहने की, पीने की व्यवस्था करके रखें, सो दैट इनको कोई परेशानी ना आए। देखिए, ये हम सब गौरव जी आपके और हमारे हित में है कि ये लोग ना जाए। क्यों? क्योंकि हम पहले फेज में है, ये फेज 2 में आएंगे। देखिएगा, अगर पहले फेज में हमने गांव की जगह अभी सेंटर में, हम टाउन्स में हमने अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो एक रूरल वेव आएगी जो हमारे को वापस से लेके आएगी, मतलब गांव से शहर की तरफ आएगी। पहले फेज में बीमारी शहर से गांव जाएगी और अक्टूबर-नवंबर के महीने में आप देखिएगा ये गांव से वापस शहर की तरफ आएगी। तो क्या हमारी आर्थिक स्थिति 3 महीने के लॉकडाउन के लिए तैयार है? वुहान में देखिए, चाइना का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। अगर वुहान में पिछले 2.5 महीने में केसेस, पिछले 5-7 दिन में कोई केस नहीं आया, बट चाइना में आज भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जो लोग चाइना से लेके आ रहे हैं या अमेरिका से लेके चाइनीज इंडिविजुअल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा लॉकडाउन अगर हमने नहीं इसको सक्सेसफुल बनाया इन लोगों के पलायन की वजह से, शायद कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन से हार जाएंगे और कोरोना की जंग को हम विजय पा नहीं पाएंगे। ठीक है, सोमवीर जी क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको? एक तो जो हम सुन पा रहे हैं लोगों को, कोई कह रहा मकान मालिक परेशान कर रहा है, कोई कह रहा ठेकेदार पैसे लेके भाग गया, कोई कह रहा खाने के लिए नहीं है, कोई कह रहा पीने के लिए नहीं है, और इन सब के साथ साथ क्या ये भी है कि एक डर सब में है कि अगले 2 महीने भी लॉकडाउन हो सकता है, अगले 3 महीने भी लॉकडाउन हो सकता है, और उस वजह से भी वो रुकना नहीं चाह रहे हैं? जी ऐसा पांडे जी, मैं बताऊं आपको, इसको आप 2 तरीके से देखिए। एक तो ये देखिए कि इनको असुविधा हो रही है, जब आदमी नहीं कमाता है तो इनसिक्योरिटी आ जाती है उस आदमी में, तो जब उसको काम नहीं मिल रहा सुबह से शाम तक तो इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो एक तो इनसिक्योरिटी को दूर सरकार कर सकती है, इनको एक गारंटी दी जाए अपने साधनों से और इनको प्रैक्टिकल में इनको रहने का खाने का किया जाए। दूसरा एक मानवीय जो है ना, मानवीय एक हमारा जो चरित्र है हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी का, आम भारतीयों का, एक ये होता है कि किसी तरीके से आप अपने गांव पहुंच जाओ और दुख में सुख में अपने लोगों में पहुंच जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके साथ कि इसके दिमाग में इनके इंश्योर है, या पता नहीं 2 महीने चले 3 महीने चले, कितना चले कैसे चले, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा तो सोचने की क्षमता है नहीं। और दूसरा पैसे की दिक्कत, तो ये सोचते हैं इंश्योर है, पता नहीं कितने दिन हो जाएगा, कितने दिन ठेकेदार देगा, आज एक ठेकेदार भाग गया कल और भाग जाएगा। तो एक तो इनको पुक्का के तौर से इनको इंश्योर करने है कि भाई आपको जब तक आप यहाँ हो आप जाइए मत, यही एक तरीका है, जाइए मत, आपको यहाँ रहने के लिए देंगे, खाने की सुविधा देंगे, और कोई बीमार होगा चिकित्सा की हर सुविधा देंगे और आपको अपनापन देंगे, सबसे जरूरी वो भी है। तो कि इनको प्यार से बात की जाए, प्यार से समझाया जाए, नैतिकता से, मानवता इधर। दूसरा इनके दिमाग से ये बात निकाली जाए कि भाई आप जो है अगर यहाँ से निकलोगे तो कितने लोगों को आप फैला सकते हो, आप बीमार हो सकते हो, आपको दवाई नहीं मिलेंगी, और आप अगर वहां गांव में जाते हो, चाहे बिहार है, यूपी है, जहाँ भी उड़ीसा है, जहाँ भी, तो वहां तो आप जैसे आप बता रहे हो यहाँ से सुविधा कम ही मिलेगी। तो एक चीज ये समझा जाए कि आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको खाने पीने का देंगे, चिकित्सा सुविधा देंगे, आप वहां मत जाइए, वहां जाने में आपको आपका नुकसान है, आपके परिवार का नुकसान है, आपके समाज का नुकसान है, आपके देश का नुकसान है। तो ये 2-3 चीजें, और मैं सोच रहा हूँ ज्यादा चीज पांडे जी ये बात घर कर रही है कि हम इनसिक्योर और किसी तरीके से हम अपने गांव पहुंचे। देखिए ना 800-800-700 किलोमीटर तक के लोग जो है वो इतनी हिम्मत किए हुए हैं कि वो पैदल निकले, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, थोड़ा सामान एक बैग लिए हुए हैं, उनका खाने का, रास्ते का। तो ये चीजें, दोनों चीजें काम कर रही है, ये दोनों चीजें इनके दिमाग से निकालनी होंगी और सरकार मुस्तैद है। मुझे लगता है आज दिन में मैं देख रहा था इधर से, तो थोड़ा आज कर रहे हैं, आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब का मैं देख रहा था शाम को दूसरे चैनल पे, तो वो कह रहे हैं हम इनको करेंगे और बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे पंजाब है, हमारे लिए पंजाब बड़ी प्रॉब्लम है। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री कहता है करीब 93,000 लोग NRIs आए हमारे इसके बाद जनवरी बाद, पंजाब से हमारा इलाका सटा हुआ है। तो पंजाब बॉर्डर को सील करना बड़ा जरूरी है, जो लोग वहां से आने की कोशिश करें उनको रोके, और दूसरा उनको वहीं पे उनको दवाई पानी या जो टेस्ट वगैरह है, सैनिटाइजेशन का जो भी कुछ करना है उसको वहीं करें। दूसरा जहां तक सख्ती का सवाल है, जैसे आप अभी डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे इनसे सख्ती की जाए कि नहीं की जाए, देखिए इनको सख्ती की बजाय ज्यादा समझाना ज्यादा बेटर है। और कुछ लोग हैं या कई बार होती है ऐसी सिचुएशन बनती है कि आदमी नहीं समझ पाता नरमी से, तो देखिए उसके लिए आप थोड़ी सख्ती सरकार बरते, क्योंकि जो सख्ती बरतेगी सरकार वो सरकार इन्हीं के हित के लिए, इन्हीं के समाज के लिए, इनके सख्ती का मतलब मेरा ये नहीं है कि सबको डंडा मारिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉर्डर्स पूरी तरह से सील कर दीजिए और किसी को अलाउ मत करिए, सीधे बोल दीजिए आप घर से निकल भी गए हैं आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको सेंटर्स पे चलना पड़ेगा। उनके लिए सेंटर्स, क्योंकि इस वक्त देखिए सारे स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और इस तरह के और भी जगह हो सकती है जहां इनको रखा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा सकती है। डॉक्टर गुप्ता, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त सरकार को बहुत ज्यादा इस तरह से और क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि ऐसा है कि हम सब कह रहे हैं कि हमको समझाने की जरूरत है, क्या हमारे पास इतना समय है समझाने का? एक एक मिनट हमारे लिए भारी है स्टेज के ऊपर, आप कह रहे हैं कि हम समझा पाएंगे, और कितने लोगों को हम समझा पाएंगे और कैसे समझाएंगे, क्या तरीका रहेगा हमारे समझाने का। देखिए, आपको इसको बहुत ही तरीके से चलना पड़ेगा। आपके बॉर्डर सील हैं, सब लोग बॉर्डर तक जाएंगे, बॉर्डर पे उनको इकट्ठा किया जाए, और बिल्कुल जैसे अभी आपने आपके माध्यम से आपने अभी बताया, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पास सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल अभी खाली है, टेम्परेरी शेल्टर होम बन सकते हैं, उनको खाना पीना वहां पर दिया जाए और रहने पीने का दिया जाए, और वहां बैठ के जब वो सारे इकट्ठे हुए हैं एक साथ, तब उनको समझाया जाए। पहले उनको लॉकडाउन करना है आपको, आप उनको समझा नहीं सकते, पहले आपको उनको कैसे भी पकड़ के या कैसे भी करके उनको शेल्टर होम में लेके जाना है, आपको शेल्टर होम में उनको आपको खाना पीना देना है, उसके बाद आपको सारी चीजें समझानी है कि पूरे देश में क्या चल रहा है। और अगर रास्ता पार करके आप अपना बरेली साइड जाना चाहते हो, बिहार जाना चाहते हो, तो उससे क्या अंजाम निकल सकता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी हमारा अभी गुड़गांव और दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली पंजाब का बॉर्डर है, दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, ये लोग जरूर वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस करते समय ही आप लोग इनको शेल्टर होम में डाल देना चाहिए, इनको खाना पीना देना चाहिए, और प्रशासन इनको समझाना चाहिए कि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी, और जब ये दुख के पल छट जाएंगे तब आपको भेज दिया जाएगा। तो अभी आप अगर सोचेंगे कि पहले समझाएंगे फिर शेल्टर होम में लेके जाएंगे, उतना टाइम हिंदुस्तान के पास नहीं है। ठीक है डॉक्टर राहुल, देखिए अभी दो इश्यूज इसमें अगेन देखने वाली बात है। एक तो अगर हम ला पाते हैं इनको तो सबसे अच्छी बात है गौरव जी। आज हमारे को चाहिए था कि मुस्तैद होता, लोग आते, डीएम साहब आते, मिनिस्टर्स आते, ताकि इन लोगों को हर्ड मेंटालिटी जो इनके दिमाग में है, डर है, उसको, भय को निकाल पाते कि आपको खाना भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा और आपसे क्रूरता व्यवहार नहीं होगा। जैसे नोएडा में डीएम साहब ने कह दिया कि जो भी किराया है वो 1 से 2 महीने तक नहीं लिया जाएगा। तो इस आपदा में सब लोग आगे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इतने क्रूरता से काम कर रहे हैं कि वो आपको घर से निकाल दे, पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए अभी पहुंच भी गए, और जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 बसें लगा भी दी, तो ऐसा हर बस में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इनको हैंड वॉशिंग सिखाए, जो इनको ये बताए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कितना आवश्यक है। देखिए, वो जो जा रहा है, अब हम उसको अगर रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं रोक सकते तो कम से कम उनको एजुकेट करना चालू कर दे कि वो अपने गांव में जाके एटलीस्ट सतर्कता बरत पाए। क्योंकि अगर उन्होंने पहुंच भी गए, सतर्कता भी नहीं बरती, तो आप सोच लिए कितना भयानक स्थिति होगी। तो इसलिए जरूरी है कि हमको हर एंगल पे काम करना आवश्यक है, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती गौरव जी। जरूरी समझना है कि चाइना में 8 से 9 बार स्ट्रैटेजी बदली गई, तब वुहान जैसा हालत आई कि 2.5 महीने तक लॉकडाउन रहा। क्या वहां पे मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ होगा? क्या वहां पे लोगों को निकलने से रोका नहीं गया होगा? क्या वहां पे अत्याचार नहीं हुआ होगा? ये सब जरूरी था, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा पेंडेमिक है कि अगर हम थोड़ा मानवाधिकार का हनन हो भी जाए तो शायद वह कुछ लाख लोगों को मरने से बचा पाएगा। नहीं, मानवाधिकार के नाम पर मानव के जीवन को ही खतरे में डालना, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से, फिर एक ब्रेक लेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं जल्दी से एक बात कहूंगा। जब पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर, कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, लाखों करोड़ लोगों का, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान। वो आपने एक नॉवल पढ़ा होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, जो खुशवंत सिंह ने लिखा है, और जिसको कुछ हद तक गदर, जो एक मूवी आई थी 2001-2002 में, उसकी स्टार्टिंग में दिखाया है कि आखिरी ट्रेन जब वो निकल रही है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, उस ट्रेन के ऊपर लोग कैसे गदर बचा के बैठे हुए हैं। वैसी स्थिति नहीं आई है, और ना वैसा मानव अधिकार का उल्लंघन होने वाला है। क्योंकि 1000 बसें जो यूपी सरकार ने अरेंज की है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि वहां इतनी भीड़ है कि वह 1000 बसें ठूस कर ले जाने की स्थिति होगी, और वो भी कम पड़ जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इस डिबेट में आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि इस वक्त सरकार के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हो, स्थानीय प्रशासन हो, क्या करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं से लगातार सीधे संपर्क साधकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने सिस्टर छाया से बातचीत की, सुनिए आप। हेलो। हाँ, हेलो सर। नमस्ते सिस्टर छाया। ठीक है सर। आप बताइए, आप अपने परिवार को कैसे आश्वस्त कर पाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो सर। तो परिवार को भी चिंता होती होगी। होती है ना, लेकिन जो चिंता है, लेकिन चिंता तो होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर। सेवा देने की है, इसीलिए वो हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे। हाँ, बहुत डरे होते हैं। एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं और जो पेशेंट 9 पेशेंट है वो तो बहुत अच्छे हैं। वही बताते हमको कि पॉजिटिव आया तो भी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, डरने का तो नहीं है। हम उनके जाके उनको दवाई देती है, सब बातचीत करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो मन में रहता है उनका, लेकिन हम वो डर निकालते हैं। बात अच्छी तरह बात करते हैं जागने के बाद, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। पेशेंट के परिवार जरा नाराजगी व्यक्त करते होंगे, क्योंकि बड़ा सबको चिंता रहती है। नहीं, पेशेंट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर। हाँ, सिर्फ पेशेंट पर क्वारंटाइन है ना, तो उनसे तो बात नहीं होती। हाँ, पेशेंट के परिवार को मत आने दो। नहीं, किसी को अंदर तो नहीं आने देते ना। हमारा स्टाफ और जो पेशेंट है उनको ही अंदर आते थे, सब हॉस्पिटल क्वारंटाइन है ना। आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है। उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, काम करने का, और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है। ये ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का। ये चलिए सिस्टर, मेरा आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जिस हिम्मत से जुटी हुई है, और आपकी तरह देश की लाखों हमारी सिस्टर्स अस्पताल में है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से एक तपस्वी की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुझे अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके। धन्यवाद जी। सर, एक आपको ये हमारे हॉस्पिटल और मैं हमारा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आपके लिए आदरणीय आपको ये करता है, सैल्यूट मारता है कि तुमने ये किया। हमारे इतने छोटे से देश के छोटे से हॉस्पिटल में हमारी ये किया, पूछताछ की, इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपका तहे दिल से आभारी हो। मेरा कर्तव्य है और हम सबको मिलकर के लड़ाई जीतनी है। हाँ, वो तो है, लेकिन सर मैं मेरी ड्यूटी कर रही है। आप तो पूरा 24 घंटा या पूरा आप देश की सेवा कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा ये हमको ये मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए। नहीं, मेरा कर्तव्य है, आप लोग मुझसे ज्यादा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भावनाओं के लिए। परमात्मा आपको भी शक्ति दे, और आप जैसी बहनों के आशीर्वाद मुझे और काम करने की ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, तो आपने सुना डॉक्टर अजय, प्रधानमंत्री का या इस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं या जो पॉपुलर फेसेस हैं उनका इस तरह से ये मोटिवेटिंग जेस्चर कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि सच में जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर्स हों, मेडिकल स्टाफ हों, या जो अभी एनजीओज के लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, मीडिया के लोग निकल कर आ रहे हैं, सबको मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी था। सिस्टर जो आपने बात कही थी, शायद क्या नाम था, सिस्टर छाया? छाया जी, सिस्टर छाया, कहीं ना कहीं आज ये हमारा एसटीवी हरियाणा न्यूज अगर आप देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे या हमारा कार्यक्रम देखेंगे तो डॉक्टर अजय गुप्ता आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं और आपको थैंक यू करते हैं। आप इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, इतनी पेशेंट की आप सेवाएं कर रहे हैं, जो कितने आपने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का आपने इलाज किया है, अपने उनके परिवार, आप अपने परिवार से नहीं मिलती है, आपका सिर्फ एक एम है कि डरने का नहीं, जैसे आपने बताया कि लड़ने का। तो ये जो एम्पैथी है जिसको हम कहते हैं, जो हमारे नर्सेस हैं, ब्रदर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये हमारी लैब में, मैं एज ए पैथोलॉजिस्ट काम करता हूँ, हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियंस काम करते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स काम करते हैं, आज सब मैं ये जो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि ये जो लोग हैं ये हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं। ठीक है, हम उनको आदेश देते हैं, ये काम करते हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने सिस्टर से बात करके ये साबित किया है कि उनको पूरे देश में जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी कितनी चिंता है। ये जरूरी था, वो कदम करते हैं, हाँ, जरूरी था। डॉक्टर राहुल, देखिए ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इस समय इस लड़ाई में हम एक डिसाइसिव समय पे है जहां सबके मोराल को हाई रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है ताकि सोशल स्टिग्मेटाइजेशन ना हो, क्योंकि इन हेल्थ वर्कर्स में बहुत ज्यादा डर रहता है। हम जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनमें सबसे बड़ा डर है कि अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या हो गया, क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा और कैसे इलाज होगा। तो प्राइम मिनिस्टर जी के पहल पे उनसे बात करके ये बहुत बड़ा मोरल बूस्ट है, क्योंकि आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा तो कोई केसेस नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे तो लोगों को इस समय पूरा हौसला अफजाई करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो मेरे को लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है प्राइम मिनिस्टर ने जिन्हें, वो बहुत कमेंडेबल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के हर उस डॉक्टर, हर उस नर्स, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियन को धन्यवाद देना चाहता हूं जो सुबह, दोपहर, शाम बिना डरे, बिना अपने परिवार को सोचे सरकार के एक आह्वान पे लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं, जो सही में इंडिया और इंडिया की स्पिरिट के बारे में बहुत बड़ी बात बताती है। ठीक है, अब एक बार फिर से सोमवीर जी, अभी सरकार के पास आपके हिसाब से ये जो लोग सड़कों पर हैं क्या क्या विकल्प बचते हैं आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो गौरव जी, इनको मैंने जैसे बताया, इनको बॉर्डर सील कर दो, बॉर्डर पे सील कर दो और उनका रहने का और खाने का उचित प्रबंध कीजिए। उनको तसल्ली हो, उनके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन हो कि तुम्हें यहाँ घर जैसा वातावरण मिल रहा है। और दूसरा, जहां तक सवाल एक शक्ति का जिक्र आया था अभी, तो आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ पहले रुक करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अच्छी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, गुरुग्राम से कोरोना पर राहत की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार एक तो केसेस नहीं आ रहे हैं कई घंटों से, 10 पॉजिटिव केसेस में से 5 की रिपोर्ट्स अब नेगेटिव आ गई हैं, यानी कि वो ठीक हो गए हैं। गुरुग्राम में अब सिर्फ 5 ही पॉजिटिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अच्छी खबर, तो आपको सिर्फ डरना नहीं है, आपको बस संयम बरतना है। अगर आप संयम बरतेंगे, सड़क पर नहीं निकलेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम सब मिलकर कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं, हरा सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब में आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर ले, लेकिन अगर आप और हम नहीं सुधरेंगे तो इस लड़ाई को लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि गुरुग्राम के 10 पॉजिटिव में से 5 नेगेटिव हो गए हैं, यानी ठीक हो गए हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, खुशी की खबर। संजय, आपको आवाज मिल रही है? जी जी, बिल्कुल गौरव, गुरुग्राम वासियों के लिए काफी खुशखबरी है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 96 घंटे में गुरुग्राम में, क्योंकि पिछले 96 घंटे की बात करें उससे पहले 10 पॉजिटिव मामले गुरुग्राम में देखने को सामने आए थे, लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो हेल्थ बुलेटिन समाज सेवा विभाग के द्वारा जारी किया गया उसमें खुशी की खबर ये है कि गुरुग्राम में जो 10 मामले पॉजिटिव थे कोरोना के, उसमें से 5 की रिपोर्ट है जो है नेगेटिव आ गई है। तो कहीं ना कहीं काफी खुशी की बात है, क्योंकि जैसे कि पूरे देश की बात करें या दुनिया की बात करें जिस तरीके से हिंदुस्तान में मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में देखा जाए तो 5 मामले नेगेटिव आ गए हैं। तो काफी राहत भरी खबर गुरुग्राम की जनता के लिए, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिन का जो लॉकडाउन किया था उसका भी असर हम कह सकते हैं। हालांकि जो अन्य प्रदेश के जो लोग थे वो जरूर अपने, लेकिन कहीं राज्यों ने उस उनका पालन किया और अपने घर के अंदर रहे, वो भी एक बड़ा कारण रहा कि जो प्रोग्राम और बड़ी हो सकता है कि वो नेगेटिव आए। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कोरोना से जंग जारी है और इन सब के बीच गुरुग्राम से अच्छी खबर भी आई है कि पिछले कई घंटों से लगातार कोई पॉजिटिव नया केस नहीं आया है और 10 में से 5 ठीक हो गए हैं। डॉक्टर राहुल, पहले आपसे कमेंट इस पर। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्रेडिबल बात है, ये लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कि कोरोना वायरस अगर हो भी जाता है तो 95 से 98% लोग ठीक होके अपने घर चले जाएंगे। डर इस बात का नहीं है कि आपको कुछ होगा, जो यंग लोग हैं उनको कुछ होगा, डर इस बात का है कि संक्रामक रोग मैं, गौरव जी, आप तक फैलाऊंगा या नहीं फैलाऊंगा, आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, आप अपने घर जाएंगे और बुजुर्ग लोगों को देंगे, जो इटली में हुआ। तो इसलिए कोरोना वायरस को लेकर इतना भयानक सीन ना बनाइए। आप 98% चांस है कि आप ठीक हो जाएंगे, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, बट जरूरी ये है कि आप अपने 500 लोगों को ना फैलाएं, उसके लिए लॉकडाउन है। तो ये कहीं ना कहीं ये इतना पॉजिटिविटी लाती है कि लोग ठीक हो रहे हैं, बट ये कॉशन भी लाती है कि सब लोग ठीक अगर हो रहे हैं तो ये मैसेज लोगों में जाता है कि ठीक हो रहे हैं तो बहुत मामूली चीज है, घर से बाहर निकलना चाहिए। नहीं, 21 दिन तक घर में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगले 7 दिनों में हो सकता है मामलों की बढ़ोतरी हो। जैसे हमने देखा कि देश में 180 नए मामले आए, कर्नाटक से आए, केरला से आए, महाराष्ट्र से आए। तो ये हम डिसाइसिव लड़ाई में है, तो अभी अपने आप को बहुत ज्यादा खुश होकर बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता कुछ कह रहे थे, फिर सोमवीर जी का जवाब अधूरा रह गया था, उधर चलेंगे। डॉक्टर गुप्ता, खबर है और ये एक ऐसी खबर है जिससे हम सबको, देखिए, कॉमन आदमी है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, मीडिया के जरिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है और सबका मनोबल इससे बढ़ेगा कि अगर 10 में से 5 लोग हैं जो कोरोना के गुड़गांव में नेगेटिव आ जाते हैं, तो अगर आप पूरे हिंदुस्तान का भी अगर आप फिगर देखेंगे तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज है और नंबर ऑफ डेथ है, वो भी अगर आप फैटेलिटी रेट निकालेंगे तो इट इज जस्ट ओवर 1% या 1.0 या 1.1 के आसपास ही चल रहा है। अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अभी काफी अच्छी चल रही है, लेकिन ये काफी अर्ली स्टेज है, इसके बारे में अभी मैं बहुत जल्दी हूँ कहने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। तो डेफिनेटली ये जो 5 लोग हैं, जब ये सोसाइटी में क्वारंटाइन के बाहर निकलेंगे और अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि ये कोरोना से इन्होंने कैसे जंग लड़ी है और ये ठीक होके आए हैं, तो बाकी सबका जो सोसाइटी में जो मनोबल है वो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन डेफिनेटली अभी हमको इतनी खुशी भी नहीं करनी चाहिए कि ये जो लॉकडाउन है इससे बाहर निकल जाए और रोड पे चले जाए। डेफिनेटली ये जो हमारा धैर्य का जो पीरियड है, अगर ये चलता रहेगा तो डेफिनेटली हम जीत सकते हैं। लेकिन आर्या जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बहुत भयानक, और इस तरह की परिस्थिति रही तो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन रोहतक में भी एक खबर आई थी कि रोहतक में भी एक मरीज ठीक हो गई। अब गुरुग्राम से खबर कि 10 में से 5 ठीक हो गए। जी जी जी, देखिए गौरव जी, ये तो बहुत पॉजिटिव है और आप इससे तो बल्कि हमें हिम्मत होनी चाहिए कि देखिए हमने 4-5 दिन में ही लॉकडाउन करने से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई है और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मजदूर हैं जो पलायन करने की बात कर रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं या जाना शुरू कर दिया है, इनको तो एक ही बात समझाई जा सकती है कि देखिए प्रधानमंत्री जी कितने कोशिश आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए वो लगे हुए हैं, 24-24 घंटे लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ देखिए डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल के जितना भी स्टाफ है, इसके साथ साथ आप पुलिस प्रशासन ने देखिए अपनी जान धड़ी पर रख के अपने को छोड़ के अपने को भूल के आप लोगों की सेवा में लगा हुआ। इधर से आप जो है आप मीडिया है, देखिए आप भी बैठे हैं और डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। जो लोग जो भी अच्छी बातें बता सकते हैं, जो हिम्मत की दे सकते हैं, जो आदमी को सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जो पॉजिटिव चीज है। तो देखिए इधर से किसान वर्ग है, किसान वर्ग आप कितना भी कर लीजिए, दूध दे रहा है, सब्जी दे रहा है, तो किसान वर्ग की भी एक कोई सलूट बढ़ता है, देखिए वो लगा हुआ है आप लोगों की सेवा में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनको सबसे पहले ये चीज समझा जाए। और जो शक्ति की बात कर रहे थे ना, मैं जो शक्ति की बात कर रहा था वो मैं इन लोगों को नहीं कर रहा था, वो इन लोगों को तो समझाने से काम चल जाएगा। शक्ति करनी है हमने अफवाहें फैलाने वालों के पास के खिलाफ। वो लोग सोशल मीडिया में, कभी व्हाट्सएप पे, कभी ग्रुप में, कभी वैसे ये लोग इधर उधर की बातें फैलाते हैं कि अरे साहब एक चीज और बताइए कि अब तो बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, प्रशासन क्या करे? लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करे, चेक पॉइंट्स पे थोड़े थोड़े करके लोगों को रोके, कैसे करे? देखिए जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये तो मानवता का बिल्कुल पहला है, उनका अधिकार है और हमारी ड्यूटी है सरकार की, प्रशासन की, कि उनको लाउड स्पीकर से समझाया जाए, उसको किसी भी वाय मीडिया से समझाया जाए। दूसरा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे मानवता का जहां तक सवाल, देखिए मानवता के लिए ही ये सख्ती की जाएगी। तो सख्ती करने के लिए जैसे इनको भी अगर इनमें से भी कोई आदमी ठीक बात नहीं समझता है तो इनके लिए कानून है, 144 लगी सीआरपीसी के तहत ये कानून है। एक 148 तो सड़कों पर आप देख ही रहे हैं, 144 की क्या हालत है। आप इनको प्रोसिक्यूट नहीं 180 तो थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा। फिर जिससे ज्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि बॉर्डर को आप सील कीजिए, वहां पे इनके कैंप लगाइए, स्कूल है, धर्मशालाएं हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं। और इसमें हमें देखिए गौरव जी सबको मिलकर आना पड़ेगा। आप लोग लगे हुए हो, डॉक्टर लगे हुए हैं, किसान वर्ग आपको सब्जी पानी दूध दे रहा है, तो इसमें दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, एनजीओज हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हैं, इनको सबको लगना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी 1.5-2 मिनट मेरे पास बचा है, जल्दी जल्दी आप सबसे चाहूंगा कि आखिरी कमेंट। पहले डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इनको रोके और इनकी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए सिर्फ बातें नहीं हो, प्रैक्टिकली जमीन पर वो चीजों को उतारा जाए तुरंत, तत्काल, तुरंत। देखिए ऐसा है, आप शहर टू शहर आप इनका रोड मैप तैयार कर सकते हैं, इनका रूट कहां से जा रहे हैं। जैसे आपने इनका रूट ट्रैक कर लिया है कि अगर गुड़गांव से ये दिल्ली के बॉर्डर तक जाएंगे, अगर आप इनका रूट ट्रैक कर लेंगे, आप इनको कहीं भी रोक सकते हैं, कहीं भी जो नियर बाय आसपास की स्कूल है या कोई भी शेल्टर हाउस है वहां ले जाइए सबसे पहले। तो ठीक है, आप जरूरी नहीं कि जो, तो आप इनका रूट ट्रैक कीजिए और इनको रोककर शेल्टर हाउस में ले जाइए, मेरा कहना है। ठीक है, आर्या साहब जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि अकेली हमारी सरकार भी 100% नहीं कर पाएगी। हमारी सरकार को साथ के जो राज्य लगते हैं, सीमावर्ती राज्य, पंजाब है, यूपी है, इधर हरियाणा है, राजस्थान है, वहां भी हमारे बॉर्डर लगते हैं, उन दूसरी सरकारों से भी समन्वय पैदा किया जाए और उन बॉर्डरों पे दोनों तरफ से शेल्टर हाउस खोले जाए और उनका चिकित्सा का और ये कह जाए जो अफवाहें फैलाने वाले हैं मुख्य तौर से वो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तबका ऐसा है बहुत इनोसेंट और इनोसेंट, बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत कन्विंस होते हैं और इनसिक्योरिटी है इन लोगों में। ठीक है, इनको जरूरी है। अगर हम रोक सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रोक सकते तो एक मौका दिया है भगवान ने हमें कि इनको हाइजीन, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के 3 कंसेप्ट समझा के इनको गांव-गांव में मैसेंजर की तरह भेजा जाए, ताकि हमारे गांव के आखिरी बच्चे तक भी ये मैसेज पहुंच पाए। तो यही 2-3 तरीके हैं जिससे हम कोरोना की अगेंस्ट जंग में जीत पाएंगे, जो ऐसा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, बहुत जरूरी है इस वक्त कि बहुत मुस्तैदी से हमने ये दिन निकाले हैं। अब कोई गलती ना करें हम सभी देशवासी, तो इस लड़ाई को हम मुकम्मल तरीके से जीत सकते हैं। सरकार को, प्रशासन को और जो एनजीओज हैं सबको मिलकर सड़क पर निकले इन लोगों को समझाना भी होगा, विश्वास में भी लेना होगा और ये बताना होगा कि देश उनके बिना नहीं जीत सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।